Now, next question that we are taking are the definitions of economics, which is based on the history of economics lecture that we have already done. What I will do is I'll draw again the history of economics, which we can divide into five parts, right? सबसे पहले जो चाणक्य का पार्ट था, देन वी विल हैव द एडम स्मिथ एरा, देन वी विल हैव द मार्शल एरा, देन वी विल हैव द रॉबिन्स एरा, देन वी विल हैव द सैमुएलसन एरा। इसे पांच स्टेजेस में बांटा जा सकता है इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री को। सो फर्स्ट यू कैन से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पहला व्यू है, यू कैन से चाणक्य का। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ का है, वेलफेयर ओरिएंटेड अल्फ्रेड मार्शल का है, स्कैर्सिटी सबसे फेमस डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स का है, ग्रोथ डेफिनेशन इज सैमुएलसन, स्कैर्सिटी इज लायनल रॉबिन्स। ठीक है, नाउ वी वॉन्ट यू टू रिमेम्बर इट दिस वे सो दैट वाइल लर्निंग यू विल नो द सीक्वेंस। पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो डेफिनेशन है, कौटिल्य जिसको चाणक्य बोलते हैं या विष्णुगुप्ता बोलते हैं, बट फेमसली ही इज नोन एज चाणक्य इन इंडिया। चाणक्य का जो व्यू था, विचारधारा था, That was not 1909. I would like to change this time frame, जो कि बहुत पुराना है, ये जो 283 before Christ, Christ you can say. So this is he died 283 BC. That is before Christ. मतलब 2000 years back की story है। व्हाट इज एडी, सब किसी को पता है एडी क्या होता है? बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, तो एडी क्या होता है? After death. हाँ, ये तो छकड़ा मार दिया तुमने, तो सिक्स मार दिया। नोबडी नोज एडी क्या होता है। एनीबडी, क्लास में होता तो कैडबरी मिला होता तुमको, प्राइस करेक्ट आंसर देने पे गिफ्ट मिला होता। नोबडी, आश्चर्य। एंडो डोमिनी सुना है कभी? एंडो डोमिनी सुना है, यस और नो? Yes. और व्हाट इज ईजी, ईजी क्या है? ईएनजी क्या है वो? पता नहीं सर। एग्जाम्पल बोलते हैं ना इजी को, करेक्ट सुना है ना? इजी लिखते हैं ना एग्जाम्पल फुल के हाँ टाइम में, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इजी? तुम्हारा इंग्लिश चेक कर रहा हूँ मैं, दैट इज एग्जाम्पली ग्राशिया। खैर जाने दो, धीरे धीरे टेस्ट और होगा तुम्हारा। सो 283 बीसी बिफोर क्राइस्ट ही डाइड। सो चाणक्य का आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इन डिटेल नाउ, we are going to study what Adam Smith thought of in his famous book Wealth of Nations. Adam Smith was born 1723, he passed away 1790. He is regarded as the father of economics because of writing the first ever book of economics. 1776 is the year in which he wrote this famous book Wealth of Nations, right? ये book इसलिए इसको 1776 मैंने बोला है। ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल स्टडी व्हाट एडम स्मिथ हैड टू से। नाउ आई विल कम बैक टू दिस। नाउ एडम स्मिथ का जो जमाना था, दिस इज यू कैन से 1723 1790 के बीच में, और जोक की बात है, वॉज बल्ब इन्वेंटेड बाय दिस टाइम, यस और नो? क्या बल्ब इन्वेंट हुआ था इस टाइम में?
बोलो बल्ब हुआ था कि इन्वेंट? द आंसर इज नो, अभी तक तो एडिसन आई थिंक का जन्म भी नहीं हुआ था। सो उस समय नॉर्मली इकोनॉमिस्ट तो हुआ करते नहीं थे। कैन यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो उस समय इकोनॉमिस्ट तो हुआ नहीं किया करते थे। दे यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ मर्केंटलिस्ट। आई विल जस्ट राइट डाउन फॉर यू। They used to be called as mercantilist. M E mouse से लिखना बहुत कठिन होता है। R pen है लेकिन क्या है? मैंने horizontal लगाया इसको। M E R C A N T I L I S T mercantilist. So mercantilist जो थे ये लोग, इनका मानना था कि a country must constantly increase their wealth. उनका थियरी इंडिविजुअल पर था ही, पूरे देश का ये लोग का डिस्कशन होता था। सो एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जस्ट बिकॉज ही गेव द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिज बुक का नाम ही वेल्थ ऑफ नेशंस था। पूरा नाम उसका एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको कोई भी इकोनॉमिक्स को पूछोगे तो वेल्थ ऑफ नेशन बोले। इसलिए उसके डेफिनेशन को वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोलते हैं। Because his focus was not for the wealth of an individual, but for the wealth of the nation. And how do you amass, A-M-A-S-S, या जमा कैसे करोगे wealth को? By exporting goods to other country and importing less. For example, तुमने 500 रुपए का सामान बेचा, 400 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का extra तुमको पैसा मिला, उससे तुम wealthy बन गए। Example China. China exports more than its imports. ठीक है? So, जो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया वो डेफिनेशन ऐसा था, दिस इज अ लैटिन वर्ड लेसिस फेयर, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। एडम स्मिथ का विचार था कि देर मस्ट बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो टैक्सेस, मीनिंग ऑटोमेटिकली मार्केट विल डिसाइड। मार्केट में दो पार्टीज होते हैं, सेलर और बायर, इकोनॉमिक्स की भाषा में फर्म और कंज्यूमर, या और डीप चले जाओ तो इंडस्ट्री और मार्केट ऐसे बोलते हैं। दे विल डिसाइड द प्राइस ऑफ गुड्स, नॉट द गवर्नमेंट। देर विल बी नो टैक्सेशन, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो लाइसेंसेस, नो रजिस्ट्रेशन। एंड उनका विचार था कि कोई भी देश ने कैपिटल और वेल्थ जमा करना चाहिए। नाउ हाउ डू यू डू दैट? जब एक देश से दूसरे देश में सामान जाएगा, पैसा आएगा, तो देश वेल्थी तो बनेगा ही ना। टेक द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी लाइक दुबई। दुबई टूरिज्म से चलता है। एक जमाने में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करके एक जगह है जहाँ पे करीबन 7 स्टेट्स है। दुबई इज नॉट अ कंट्री, यूएई का एक वो अंग है। So, एक समय उनका इकोनॉमी पेट्रोल, वैसे तो दुबई में खुद तेल ही निकलता, अबू धाबी में निकलता है, तो उनका इकोनॉमी तेल से चलता था। आजकल उनका मेन टूरिज्म से चलता है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट में लोग लैंड होते हैं वर्ल्ड में, वो कौन सा एयरपोर्ट है? DXB, दैट इज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उनका, उनको जो वेल्थ मिलता है, बाहर के लोग आते हैं, पैसा। कश्मीर का इकोनॉमी कैसे चलता है? महाबलेश्वर का इकोनॉमी कैसे चलता है? तुम्हारा माथेरान कैसे चलता है? सपुतारा का इकोनॉमी कैसे चलता है? सब टूरिज्म से तो चलता है। बाहर से लोग पैसा आते तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। सो कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये एडम स्मिथ का मानना था। एंड ही वाज मोर ऑफ नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। ही वाज मोर ऑफ की नेचुरल लॉ, जैसे ऑटोमेटिक प्राइसिंग बनेगा डिमांड और सप्लाई पे। He was into that. He was against government taxation and interference. And he wanted to say division of labor. काम को बांटो, जो expert है जिस काम में उसको वो काम दो। Can you hear me? आवाज आ रहा है मेरा ठीक से? Yes. But Adam Smith के definition में बहुत सारे loopholes थे। बहुत सारे loopholes ऐसे थे कि he did not talk about welfare of people. He only talked about the wealth of the nation. उसके अलावा डेफिनेशन में और कुछ नहीं था, सिर्फ देश ने अपना संपत्ति कैसे बढ़ाना चाहिए ये था। करेक्ट? सो ये एडम स्मिथ का मानना था। नाउ वी कैन गो मच इनटू डिटेल ऑफ दिस, लेकिन तुमको सिलेबस में उतना है नहीं और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो था डेफिनेशन,
That is the welfare oriented definition, which is given by Alfred Marshall, born 26th of July 1824, died 13th of July 1924, Cambridge, England. Now, Alfred Marshall का 12th standard में 3A, 3B, 4 chapter, बहुत सारे जगह पे 3-4 chapters में है Alfred Marshall, the most famous economist after Adam Smith बोलना चाहिए. लेकिन उनका definition भी universal माना नहीं जाता. उनके दूसरे chapters जो demand, supply, elasticity पे थे, वो ज़्यादा famous थे. Now, जो Marshall का विचार था, see जो एडम स्मिथ है, कहां गया ये रहा, एडम स्मिथ इज नोन एज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. व्हेन वी से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, आई मीन टू से 200-250 साल पहले जो वेल्थ को मानते थे, देश ने वेल्थ बनाना चाहिए, ठीक है ना, एडम स्मिथ था, डेविड रिकार्डो था, आई थिंक जोन रॉबिन्सन थे, ये सब वेल्थ की बात करते थे. एडम स्मिथ का जमाना खत्म हुआ 1790. उसके बाद का जो जमाना था अल्फ्रेड मार्शल, व्हेन ही वाज बोर्न 1842, सो 1870s के बाद के जो इकोनॉमिस्ट, यहां पर इन्होंने लिस्ट दिया है, ठीक है, ये अल्फ्रेड मार्शल, पिगू अल्फ्रेड मार्शल का स्टूडेंट था, इनको नियो क्लासिकल बोलते हैं. नियो क्लासिकल बिकॉज ये लोग वेल्थ से बाहर आए. और अल्फ्रेड मार्शल व्हाट ही डिड डेफिनेशन में, उन्होंने एडम स्मिथ के डेफिनेशन को चैलेंज नहीं किया, बिकॉज एडम स्मिथ वॉज अ रिस्पेक्टेड फिगर. सो वॉट अल्फ्रेड मार्शल सेड कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. एक्चुअली इन्होंने ये स्टार्टअप दिया है, बट आई विल टेल यू व्हाट अल्फ्रेड मार्शल सेड. ही रोट दिस बुक 1890, फेमस बुक, विच वॉज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. He started writing this book in 1881, 9 साल लगे. इसके 8 edition आए, और last edition 1920 में आया. He died 1924, 1902, London School of Economics में ही बोलना चाहिए, he started. तो basically what Alfred Marshall said कि like a coin, on the one side economics is wealth, on the other side it is about the welfare of man. सो एडम स्मिथ मैन की बात कर ही नहीं रहा था, देश की बात कर रहा था. तो व्हाट अल्फ्रेड मार्शल डिड, ही बोलते ना, बड़े से छोटे को लेकर आए. इकोनॉमिक्स में बड़े कंसेप्ट को मैक्रो बोलते हैं, छोटे को माइक्रो बोलते हैं. सो मार्शल ने मैक्रो, जो एडम स्मिथ का पूरा देश का विचार था जो मैक्रो था, उसको माइक्रो में कन्वर्ट किया. स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, उसका बिहेवियरल साइंस. इसलिए उसने एक चैप्टर दिया डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है. सो अल्फ्रेड मार्शल वाज मोर ऑफ अ माइक्रो टाइप ऑफ पर्सन, एंड देन बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू चैलेंज एडम स्मिथ, ही आल्सो सेड कि ही स्टडी ऑफ वेल्थ. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के जितना बुक है उसमें वेल्थ का काफी कम जिक्र है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स है, जो तुमको 12th में डिमांड सप्लाई, उसका जिक्र ज्यादा है. सबको लॉजिक समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर. सो दिस वाज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल. ये सेकंड डेफिनेशन इन सीक्वेंस. पहला एडम स्मिथ, जो 1776 के बुक में लिखा था, ही वाज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. और उनका समय जाने के बाद अल्फ्रेड मार्शल ने इम्प्रूव किया डेफिनेशन को, और 1800 की बुक आज भी पब्लिकेशन में है, 100-150 साल बाद, 125 साल बाद, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम है बुक का. सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट. बट अभी भी दोनों जो डेफिनेशन थे, एडम स्मिथ का वेल्थ और अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर, सिंस एडम स्मिथ इसकी बात कर रहे थे देश के वेल्थ की, और माइक्रो लेवल पे अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर ऑफ मैन की बात कर रहे थे, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन बना नहीं था जिसको वर्ल्ड स्वीकार है. यहाँ पे लायनल रॉबिन्स आ गया. ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है, वांट्स आर अनलिमिटेड, मींस आर लिमिटेड. सो व्हाट आई विल डू, ये तुम्हारा ये ड्रॉ करके मैं तुमको वो चार्ट और ग्राफ भी बताऊंगा, स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन जो लायनल रॉबिन्स ने दिया है.
आई थिंक इट वॉज 1932, कुछ बुक में 1931 बोलते हैं, एन एसे इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बुक का नाम था ये। लायनल रॉबिन्स ने ये बुक दिया, में ये डेफिनेशन दिया जिसको यूनिवर्सल डेफिनेशन माना जाता है। ये डेफिनेशन में क्या है मैं तुमको बताता हूँ, मैंने तुमको एक्सप्लेन भी किया था इसके थ्रू कि बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। याद है मैंने बताया था तुमको कि तुम्हारे बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? Yes, sir. तुम्हारे बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, जिसके लिए तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दिस सैक्रिफाइस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही डेफिनेशन था उनका। सो व्हाट ही वांटेड टू से दैट बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, बॉन्ड्स तुम्हारे इच्छा है। नाउ जो डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स ने दिया, ही डिड नॉट यूज द वर्ड बॉन्ड्स, ही यूज द वर्ड्स मींस एंड्स। उन्होंने बॉन्ड्स को एंड्स बोला, तुम्हारे इच्छाएं को नाम उन्होंने शब्द दिया एंड्स। Now, if you understand, wants are unlimited, और उसको पूरा करने के लिए जो पैसा लगता है वो means वो limited है, and because तुम्हारे पास पैसा limited है, if I'll tell you, now I need to ask you one question, on the basis of that I'll give you the third point का explanation. Supposedly you want to go to, let us assume lockdown पूरा खत्म हो चुका है, you want to go to the मूवी, पहला यू वॉन्ट टू गो टू मैकडोनल्ड्स, मोबाइल रिचार्ज, एज्यूमिंग यू आर ड्राइविंग पेट्रोल, ठीक है, एंड रिचार्ज कुड बी वन एग्जाम्पल, या ब्रेकफास्ट नहीं बुक। सो मैकडोनल्ड्स, मूवी, फिर रिचार्ज, पेट्रोल एंड बुक, टेल मी विच वन विल यू ऑप्ट फॉर एज अ प्रायोरिटी। सबका 100 रुपया है, तुम्हारे पास सिर्फ 200 रुपया है, सो टू होम यू विल गिव फर्स्ट, किसको फर्स्ट दोगे? पेट्रोल। वृंदा पेट्रोल देगी, वृंदा को कॉलेज में घूमना है, हाँ ठीक है। दूसरा प्रायोरिटी में फर्स्ट पेट्रोल दिया, दूसरा नंबर किसको दोगे? बाकी लोग प्लीज पार्टिसिपेट, बाकी लोग McDonald's. तीसरा रिचार्ज। हाँ क्या बोला खुशी ने? रिचार्ज। क्या जमाना आ गया, मेरे जमाने में लोग पहले बुक को बोलते थे, आज बुक का नाम ही लास्ट पे आ रहा है बेचारा, बुक भी सोच रही होगी मेरे को भी लेता ही नहीं है। हाँ पहला पेट्रोल, दूसरा McDonald's, तीसरा रिचार्ज, चौथा क्या था? मूवी, और लास्ट में बुकलेट भी प्रेज्यूम। सो व्हाई यू हैव डन इट इन अ सीक्वेंस, इसको बोलते ना ग्रेडेबल, बोलते वांट्स आर ग्रेडेबल। व्हाई डिड यू ग्रेड? बिकॉज़ वांट्स आर अनलिमिटेड एंड बिकॉज़ यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, यू विल ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ मोर इंपॉर्टेंट टू लेस अनइंपॉर्टेंट, व्हिच इज कॉल्ड प्रायोरिटी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोल, नहीं तो कॉलेज में घूमेंगे कैसे? फिर तुम्हारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट है भूख लगी तो खाना, मैकडॉनल्ड्स। So because you cannot satisfy all the 5 points, you will rate them in the order of importance. Is order of importance ko scale of preference bolte hain. I am explaining not in much detail, ye BBA semester 1 ko business economics ke pehle chapter mein question hai ye. So wahan pe ye detail mein explanation hota hai. But simple si bhasha mein, wants unlimited hai tumhare. Pura karne ke liye means matlab paisa limited hai. And because paisa limited hai, jiske wajah se tumhare sare wants pure nahi honge. तुम बॉन्ड्स को ग्रेड करोगे 1, 2, 3, 4, 5, सबसे इंपॉर्टेंट को स्टार्टिंग में रखोगे, सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट को एंड में रखोगे। सो जितना बॉन्ड्स ज्यादा से, तुम ऐसा कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स तुम्हारे एक साथ पूरे हो सके। और बुक तुम्हारे लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट लिस्ट थी उसको लास्ट पर रख दिया, पेट्रोल और मैकडोनल्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट थी उसको स्टार्टिंग में रख दिया। और ही सेड एक और प्रॉब्लम ऐसा है कि he said, कि means जो पैसा है उसके भी alternative uses है। तुमने रिचार्ज किया तो बाद में पता चला अरे उसके बजाय मूवी चले गए होते, रिचार्ज तो डैड ने करा दिया होता। सो इट्स लाइक 100 रुपीज कहाँ स्पेंड करना, तुमको यदि शॉपिंग के लिए पप्पा ने बोला टेक दिस 1000 एंड गो फॉर शॉपिंग, बिकॉज 1000 के ऊपर तुम शॉप नहीं कर सकते,
तुम दुकान में गए तो ऐसा हुआ है कि तुमको बहुत इच्छा हुआ दो ड्रेस का लेकिन एक ही खरीद पा रहे, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ? टेल मी, हाँ या ना तो बोलो, क्योंकि पप्पा ने शॉपिंग के 10,000 दिए, तुम 10,000 भी उड़ा दोगे, बराबर ना? वैसे 11वीं के स्टूडेंट थोड़े शरीफ रहते, बीबीए 12th और बीबीए के बदमाश बन जाते, उनको 10,000 दिया तुम भी उड़ा देंगे उन्हें पूरा, फिर भी कम पड़ेगा, बराबर है? सो प्रॉब्लम इज फॉर 1,000 रुपीज यू यू लाइक दो जीन्स पसंद है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों खरीद सकते हैं। सपोजिटली इफ तुम्हारे पास एक कूपन होता जिसमें एक ही दुकान का सिलेक्शन होता तो तुमको कंफ्यूजन ही नहीं होता ना। प्रॉब्लम इज पैसा दोनों वांट को पूरा कर सकता है, इसलिए कंफ्यूजन और बढ़ता है, क्योंकि तुमने सीक्वेंस कर दिया है, ब्लू जीन्स वन ग्रीन जीन्स सेकेंड, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज दोनों अच्छे लगे तुमको, दोनों इंटरचेंजेबल है, क्योंकि पैसा दोनों खरीद सकता है, तो पैसे से भी कंफ्यूजन होता है और वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है। सो ही सेड कि दो प्रॉब्लम है, एक तो वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, मींस लिमिटेड है, और प्रॉब्लम ये कि मींस दोनों को खरीदवा सकता है कि तुम्हारे दोनों वॉन्ट है, तुम खरीद एक सकते हो, पर दोनों पैसा दोनों को खरीद सकता है, मतलब 1,000 रुपए से 1,000 1,000 के दो जीन्स है, बट यू कैन बाय ओनली वन। If I give you a coupon for only blue jeans, there will be no confusion because you will directly buy blue jeans. But because there is no coupon and 1,000 rupee is able to buy one of the two jeans, so you will have a confusion कि बाबा blue या jeans कौन सा खरीद, ठीक है ना? Because you like both the colors. ये problem है. Logic समझा? Yes or no? यस सर। एक और प्रॉब्लम आएगा, if you are given 1 lakh to buy a cell phone, ठीक है? एंड सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा कौन सा है वो 1 लाख का आता है ना, व्हाट डू यू कॉल दैट, सैमसंग का एक आता है ना उसका अल्ट्रा बोलते क्या उसको, सैमसंग का कौन सा मोबाइल है जो 1 लाख रुपीज का आता है? तुम लोग को लड़के लोग होते तो तुम बताया था, सैमसंग अल्ट्रा बोलते क्या उसको, सैमसंग गैलेक्सी नहीं, हाँ सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, उसका कॉस्टिंग इज करीबन 1 लाख रुपया, और आईफोन 12 मैक्स प्रो का तो 124 है, बट उसके छोटा वर्जन आई थिंक विल गेट 1.25 लाख में मिल जाएगा। द प्रॉब्लम इज इफ तुमको मैंने एप्पल का कूपन दिया होता तो देयर वुडंट हैव बीन अ कंफ्यूजन, यू वुड हैव डायरेक्टली गॉन टू बाय दैट एप्पल। बट सपोजिटली किसी को, अब फॉर मी आई वुड नॉट लाइक टू यूज एप्पल बिकॉज मुझे बहुत कठिनाई होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे एप्स जो है वो एंड्रॉइड पे अच्छा ज्यादा अच्छा स्मूथ चलता है, आईफोन में अगेन दूसरा प्रॉब्लम्स आते हैं, आईफोन कभी कभार प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि क्लास का ऐप है और दूसरे है, तो मेरे लिए देयर कुड बी अ स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि पैसा कंफ्यूजन बढ़ा देता है, कि तुम्हारे पास जो लिमिटेड पैसा है सारे के सारे वांट तो पूरे नहीं होंगे लेकिन हर एक वांट पूरा करने की क्षमता उस पैसे में है, इसलिए तुम कभी कभार गोल गोल घूमना शुरू करेंगे, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, बट पैसा लिमिटेड है क्या किया जाए। समझ में आया तुमको क्या बोलना चाहता है लायनल रॉबिन? यस सर। सो आई विल हेल्प यू रिमेम्बर दिस, तुम क्या करो एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड को साथ में लर्न करो, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर ग्रेडेबल, सी आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर दिस, ये वॉन्ट्स है ये वॉन्ट्स है, बराबर है? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल, मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, लर्न करना कितना आसान है, टेक्निक समझा मैंने जो बोला? तो यस सर। ये मेरे नोट्स में भी है, 1 3 1 3 के बजाय 2 रखा है मैंने, 3 के बजाय 2 और इसके बाद सेकंड को थर्ड रखा है, सो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल को ऐसे रखो, मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और लास्ट का केनेथ बोल्डिंग का डेफिनेशन इतना, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक, इन्होंने फुल डेफिनेशन दिया ही नहीं है, ओ गॉड फुल डेफिनेशन गायब कर दिया इन्होंने। सो आई टेल यू द फोर डेफिनेशन शॉर्ट में, ये तुम्हारा फेवरेट आईफोन का जो एग्जांपल लिया था कल, ये है फेवरेट, ये कहाँ गया,
ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो प्रोफेसर पॉल सैमुएलसन ने दिया है कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट ग्रोथ, जो देश ने लगातार ग्रो करना चाहिए, नेशनल इनकम जो देश का है वो लगातार बढ़ना चाहिए, दिस इज व्हाट पॉल सैमुएलसन सेड। और केनेथ गोल्डिंग का इन्होंने जस्ट डेफिनेशन दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हिच आई डोंट वांट यू टू स्टडी, मैं अलग से तुमको आइडिया बताऊंगा कल, तुमको कल या मंडे को माइक्रो और मैक्रो का एक बहुत बढ़िया स्टोरी भी बनाया हुआ मैंने। सो तुमको सिलेबस में इतना ही, सो यू नीड नॉट गो फॉर, ये जो है ना सिर्फ नॉलेज के लिए रखो, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉल सैमुएलसन, ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज का नाम सुना है? यस सर। नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है? फाउंडर कौन था उसका? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। उन्होंने एक बॉम्ब इन्वेंट किया बट उनको प्राइज मिला, लेकिन जब उनको जब पता चला कि बॉम्ब कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए ही उनके विल में उन्होंने, स्टोरी पता है, नोबेल प्राइज सबने सुना है, यस और नो? यस सर सुना। पर तुमने सुना नहीं होगा कि अल्फ्रेड नोबेल वाज़ द पर्सन हु आई थिंक हैड इन्वेंटेड दिस बॉम्ब, जिससे ह्यूमंस को नुकसान हो सकता है। सो द प्राइज मनी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द स्वीडिश गवर्नमेंट, स्वीडन का है नोबेल प्राइज, दिसंबर में दिया जाता है। सो व्हाट ही डिड, उसने बोला कि जो भी मुझे प्राइज मनी मिला है वो बैंक में जमा किया जाएगा और उसका जो ब्याज है इंटरेस्ट वो फिजिक्स के लिए दिया जाएगा। फिजिक्स में किसने क्रिएट किया? मेडिसिन, लिटरेचर। गुरुदेव टैगोर को 13th of November 1913 को मिला नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि, which was published in 1908, गीतांजलि means the song of name। So बाद में इकोनॉमिक्स ऐड किया गया in 1969, ठीक है। तो आई थिंक पांच कैटेगरीज में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। इट इज फॉर लिटरेचर, फिजिक्स, और कौन सा कैटेगरी, एनीबडी? कौन कौन से कैटेगरीज है? लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिर एक इकोनॉमिक्स है, छह कैटेगरीज रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये मैं देख के बोल रहा हूँ, मुझे चार ही याद थे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इकोनॉमिक्स तो इन्होंने भूल गए, इकोनॉमिक्स को भी दिया जाता है, ठीक है। सो प्रोफेसर सैमुएलसन गॉट द नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड मार्शल ये सब तब तक मर चुके थे, 1969 से शुरू हुआ, इसलिए इनको कभी मिला नहीं नोबेल प्राइज। सो समझा इतना?